भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सभी किसान उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठा हुए। किसानों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि वह जीरे की फसल खराब होने के मुआवजे को लेकर अंबाला उपायुक्त कार्यालय आए हैं। इससे पहले भी वह डीसी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं और उन्हें उपायुक्त महोदय ने 15 दिसंबर के बाद सभी के खाते में इंश्योरेंस का पैसा डाल दिया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अब यह धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा फसल खराब होने पर अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और किसानों की यही मांग है डीसी महोदय के माध्यम से। हरियाणा सरकार द्वारा अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी किसानों की धान की फसल खराब हुई थी उसका बीमा, जो उसकी राशि बनती है, वह किसानों के खातों में डाली जाए। बीमा इसलिए कराया जाता है कि किसी कारणवश अगर फसल में खराबी आ जाए तो अगली फसल की बिजाई के लिए उस पॉलिसी का पैसा मिल सके, लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। कार्यालय के अंदर इकट्ठे हो गए हैं जो हमारी जीरी का खराबे का मुआवजा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पहले भी डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं और हमारे को डीसी साहब ने 15 दिसंबर को हमने मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था भाई 15 जनवरी के बाद किसानों के खाते में उनकी जो इंश्योरेंस की किस्त है, जो उनका पैसा है खराबे का, वो खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम बड़े लंबे समय तक इंतजार करके धरना प्रदर्शन आज हमारे को आखिरी बार करना पड़ा है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है किसानों को उनके खराबे का मुआवजा देने के लिए। आज तो हमारी यही मांग है, पहले हमने ज्ञापन लिखित रूप में दिए हैं, आज डीसी साहब के माध्यम से यही बात को दोबारा हरियाणा सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि जो किसानों की धान की फसल खराब हुई थी उसका जो बीमा, जो उसकी राशि बनती है, वो खाते में नहीं डाली गई। बीमा इसलिए ही कराते हैं कि अगर किसी कारण फसल में खराबा आ जाता है तो हम अगली फसल की बिजाई के लिए हमारे को उस पॉलिसी का पैसा मिल सके, लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं है। हम 1 बजे तक का जो हमारा धरना प्रदर्शन का वक्त है, 14 फरवरी को हमने वो गायों के बारे में भी डीसी साहब से मीटिंग भी की थी और हम डीसी के कार्यालय में गायें लेकर भी पहुंचे थे। कुछ गायों को तो गौशाला के अंदर शिफ्ट करा दिया था, लेकिन एडीएम साहब ने हमारे साथ ये बात रखी थी भी 2 दिन के अंदर एक कमेटी बनाएंगे, जो भी गाँव के अंदर आवारा गाय हैं उनको प्रशासन अपने ही व्हीकलों से लेकर गौशाला तक आएगा। लेकिन आज तक प्रशासन ने ना हमारे को ये बताया भी कौन सी कमेटी बनी है और ना कोई इस बात पर गहरा संज्ञान लिया है, उसकी भी हम आज बात करेंगे, नहीं तो फिर आने वाली बात जो होगी वो तो किसान साथियों से मीटिंग करके वो फैसला हम आज भी हमारी नहीं बात बनती तो हम अपने दोबारा जो हमारी 10 मेंबर कमेटी है कमेटी से मीटिंग करके फिर दोबारा अपना फैसला ले लेंगे।